तकरीबन एक महीने पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मचा हुआ था। यहाँ पर 10 सेट के एक सिक्के के बराबर कैप्सूल रास्ते में गिर गया था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां दिन रात इसे खोजने में लगी रही। यह विस्फोट तो नहीं था, मगर उससे कम भी नहीं था। अगर यह किसी के हाथ लग जाता तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी फैल सकती थी। हालांकि इसको खोज लिया गया। अब संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी कर्ता ने कहा है कि युद्धग्रस्त लीबिया में एक साइट से लगभग 2.5 टन प्राकृतिक यूरियम गायब हो गया है। इसके कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई है। हालांकि कृतक यूरियम का तुरंत ऊर्जा उत्पाद या बम ईंधन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी साधनों और संसाधनों वाले समूह प्रत्येक टन को 5.6 किलोग्राम हथियार ग्रेड सामग्री बना सकते हैं। अब विशेषज्ञों के लिए लापता धातु का पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है, उनके महानिर्देशक राफेल मनारियो ग्रासी ने बुधवार को लापता यूरिया के बारे में सदस्य राज्यों को सूचित किया है। IAEA से लापता यूरिया पर अधिक विवरण देने से इनकार कर दिया। इसके बारे में रॉयल्स ने बताया है कि शाही माप में इसका वजन लगभग 2.5 टन है। रॉयल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षकों ने पाया है कि यूरिया अयस्क के रूप में लगभग 2.5 टन प्राकृतिक यूरियम युक्त 10 ड्रम मौजूद थे। रॉयल्स के अनुसार IAEA के सदस्यों ने कहा है कि साइट तक पहुंचने के लिए कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता है, क्योंकि यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। ऐसे कई संभावित स्थल हैं जहां पर यूरिया का भंडार हो सकता है। ऐसी एक घोषित साइट सभा है। ये लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 210 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है।